हाँ नमस्कार बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में भी शुरुआत सूत्रों से की थी। तो आज पहले हम सर्वसमिकाएं ले रहे हैं। देखिए तीन सर्वसमिकाएं हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, स्क्वायर में ही चलती हैं। इसी में अगर साइन स्क्वायर का सूत्र आप बनाए तो वो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको एक नहीं दिख रहा ना, ये रहा एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों? यस। अब आइडेंटिटी आपको क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड एक बराबर अगर हम बनाए तो वो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर बनाएं तो वो sec स्क्वायर थीटा माइनस एक होगा। इसी में जो तीसरी आइडेंटिटी है, थर्ड, वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और इसमें एक बराबर बनाएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बनाएंगे तो वो हां कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। एक बार तेजी से पुनः पुनः देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, एक बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस एक। अब इनमें वो व्युत्क्रम वाले सूत्र एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि बच्चों वही आपको स्ट्रांग करेंगे। साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा। आज हम दूसरे व्युत्क्रम वाले नहीं लिख रहे, कॉसेक बराबर एक बटे साइन हो जाएगा, सेक बराबर एक बटे कॉस हो जाएगा, कॉट बराबर एक बटे टेन हो जाएगा, लेकिन दो ये कीमती सूत्र जरूर लिख रहे हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा का, साइन और कॉस के पदों वाला। इनको अक्सर आप लोग लिख लिया करो बच्चों, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करने बैठो, ठीक है, आपको अंदर से स्ट्रांग करेंगे ये, ध्यान रखिए। त्रिकोणमिति में जो डर लगता है वो नहीं लगेगा, छह नंबर के आप आसानी से वो सवाल हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, 26 से लेकर 30 तक के जो सवाल होते हैं बोर्ड के पेपर में, उसमें से एक सवाल इन पे आधारित होता है जो अक्सर अथवा में आ रहा है, दो दो पार्ट उनमें हुआ करते हैं ऐसा। सवाल नंबर 10 तक हम ले चुके थे, पेज नंबर 113 पे हम हैं, एक्सरसाइज 7.1 लेकर 113, 113 है। सवाल नंबर 11 है, ये रहा आपके सामने, cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 माइनस, इसमें भी सुधार है, इस जगह पे दो छपा हुआ नहीं है, दो लिख लीजिए, दो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। ये सवाल सीबीएसई की बुक में भी है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिए, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा हमें प्रूव करना है। सवाल की मांग के अनुसार यहां साइन और कॉस, जैसे बच्चों हम विदेश यात्रा में गए तो वहां की मुद्रा हमारे को रखनी पड़ेगी, तभी वहां की मुद्रा का हम उपयोग कर पाएंगे, वैसे ही सवाल की मांग है, हमारे को टेन और कॉट है इधर चाहिए ही नहीं, तो आप उनको उसी में बदलिए। ठीक है ना बच्चों, तो यहां हम LHS में कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे, टेन को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख देंगे,
सवाल की मांग के अनुसार हमने साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लिया। इसमें देखो साइन का भाग दिया तो कॉस बार गया, कॉस का भाग देंगे तो साइन बार जाएगा और वो ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, तो यहां बना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां जाके हम रुक गए, हमने देखा अच्छा 1-2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये कॉस स्क्वायर फालतू में ही चले आ रहा है, इस कॉस स्क्वायर को हम बदलते हैं। कॉस स्क्वायर को ये देखिए, इधर कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1-1 साइन स्क्वायर थीटा, बस क्यों इसको देख के। तो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा को हमने चेंज किया 1-1 साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे की ऐसे चल ही रहा है और बटे में क्या आया, जो चल ही रहा है बटे में हमारा साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे की ऐसे। बस फिर क्या था, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1-2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए बटे साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा आर एच एस। संभवतः आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, एक बार देख लीजिए ध्यान से इसको। अब इसी में एक सवाल थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं बच्चों, और यहां पे मन से लिख देते हैं, मन से, मन से। अब इसमें क्या किया, मैंने इधर बदल दिया बच्चों। यहां कभी कभी ऐसा सवाल थोड़ा सा बदल के एग्जाम में आ जाता है। यहां आ गया 2 cos² θ - 1, वो पिछला सवाल तो हो गया 11वां, लेकिन ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं है। पहला कदम ये, दूसरा कदम ये, मतलब जैसे ये होता है ना बच्चों, यहां तक तो कॉमन है, फिर हम ये गलियां बदल रहे हैं, ये चाहिए या ये चाहिए, तो ये यहां तक की तो ये 2 स्टेप आ ही गई। अब यहां थोड़ा सा बदलाव है, क्या बदलाव है ध्यान दीजिए। अचानक हमारी नजर इधर गई, यहां 2 cos² θ - 1 है, तो अब की बार हम इसको बदलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये तो क्या, इसको बदला तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब इधर बदलेंगे तो इसके आगे माइनस है, आप ब्रैकेट में लिखिए 1-cos² θ। माइनस को सदैव सम्मान दीजिए, तो वो आपको भी सम्मान देगा और सवाल को गलत होने से बचाएगा। यहां कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 2 cos² θ हो गए और माइनस एक ऐसे के ऐसे, तो यहां हम लिख सकते हैं 2 cos² θ - 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा चल ही रहा है। तो ये आर एच एस हो गया हमारा मन से वाले सवाल का। हो सकता है ऐसा सवाल आगे मिल जाए बच्चों, संभावना है, क्योंकि ये मिलते जुलते से सवाल हैं। अभी तो मैंने मन से लिख दिया है, आगे हो सकता है कोई इस तरह का सवाल हमें मिल ही जाए। यस बच्चों, अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 12 की ओर। cos 4θ + sin 4θ = हमें चाहिए 1-2 cos² θ - sin² θ। सवाल नंबर 12 है, देखिए कैसे होगा। ये 11 पे आधारित मन से सवाल हमने बनाया था कि कभी कभी थोड़ा सा बदलाव हमारे को मिल जाता है सवाल में, तो ये नहीं सोचना कि ये हमारे बुक का नहीं है, कैसे होगा।
बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। सवाल नंबर 12 है, यहां पे घात 4 है और प्लस में साइन की घात 4 है, बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यस, पहले कॉस स्क्वायर दे रखा है, बात एक ही है। चलिए कुछ बच्चे की, नहीं नहीं सर वही लिखिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, यहां पे कॉस 4 थीटा है पहले, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम क्या कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं घात 4 को। अब यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सवाल की मांग के अनुसार 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने एवं घटाने पर, इसमें क्या है बच्चों, जब आप इन सवालों को करेंगे ना तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे हम किसी का पता पहली बार जाते हैं ना बच्चों, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिर तो हमें पता है कि अब लेफ्ट में जाएंगे फिर राइट में और फिर ये इस तरह से वो मकान उनका आने वाला है, वही यहां है। यस बच्चों, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने एवं घटाने पर, यानी कि एड एवं सब्ट्रैक्ट किया, जैसे रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे गुणा और भाग करते हैं वैसे प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। क्या किया ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस, एक बार हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस किया और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा यानी कि माइनस 2, जो प्लस है वही माइनस है, एक तरह से इनको कट कर सकते हैं लेकिन कट करने के लिए थोड़ी लिखा। अब बच्चों यहां से यहां तक का जो पार्ट है ना, ये देखिए ये पार्ट, मैं थोड़ा सा बॉक्स में ही बंद कर देता हूं, ये पार्ट इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं अगर होल स्क्वायर करूंगा तो ये पद आएंगे, आपको आइडेंटिटी मालूम होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस बार 2ab वाला टर्म लास्ट में है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तरीके तो और भी हैं लेकिन हमने एक मेथड उसमें से चुन लिया, और ये तो जानते ही हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आर एच एस। तो ये था सवाल नंबर 12 है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है प्लस एवं माइनस करने पर, जोड़ने एवं घटाने पर, ठीक है। एक बार हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस किया और साथ के साथ माइनस किया, ये एक ही लाइन में आ जाएगा बच्चों, हमने यहां नहीं लिखा क्योंकि वो सूत्रों में चले जाता। यस, सवाल नंबर 13 है, 13 में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, हमें सिद्ध करना है टेन थीटा सेक थीटा। समझिए बच्चों, सवाल नंबर 13 है, और इनको एक सप्ताह में आप रिवाइज कर लिया करो बच्चों बार बार में, तभी ये आगे तक बने रहेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ये कब समझाया था। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा,
बराबर हमें सिद्ध करना है टेन थीटा सेक थीटा। समझिए ध्यान से, यस, एलएचएस हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, और जो बदलाव है वो साथ के साथ हम करते चलते हैं। सेक को लिखा हमने एक बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे के ऐसे, इसको भी चेंज किया किसमें, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये रहे ना बच्चों ये रहे, और इस सेक को हमने लिखा, सेक को नहीं सॉरी टेन को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या हमने कॉस थीटा एलसीएम लिया तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा चल ही रहा है। इधर हमने एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये एलसीएम का कंसेप्ट तो मालूम होगा, साइन और कॉस दोनों ही एलसीएम आ गए, तो यहां कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बना। अब बच्चों आइए थोड़ा सा यहां रुक के देखते हैं लेफ्ट और राइट में क्या हो रहा है, कहीं हम कोई गलत रोड तो नहीं पकड़ के आ गए। समझिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ये देखो ये रहा वन माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जैसे मेरे दिमाग को क्लिक हो रहा है ना, बिल्कुल ए इश्यू आया, वैसे ही आपका आना चाहिए। वन माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इतने में इस साइन ने उसको उड़ा दिया, कट कर दिया, कितनी बार, साइन थीटा बार, और साइन थीटा बटे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, जो हमारे को आरएचएस चाहिए। अच्छा इसमें ये जो साइन तो कट गया था बटे में कॉस, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गए एक, ये रहा, तो एक बटे कॉस इस ब्रैकेट में आया, उसको हम लिख सकते हैं सेक, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो टेन थीटा सेक थीटा हमारा आंसर हमारे को दिख रहा है, ठीक है ना। वही तो यहां क्या करेंगे हम, वन माइनस कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणा एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा। एक दो यहां पे फॉर्मूलेज आप लिख दिया करो, अच्छे बच्चों की पहचान होती है ये, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ठीक है। अचानक कि साहब ये कहां गायब हो गई, लिख दिया करो साइड में। अब ये कैंसिल हो गया साइन थीटा बार, तो यहां आया साइन थीटा बटे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन कॉस थीटा, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस टेन लिख सकते हैं, एक बटे कॉस को सेक लिख सकते हैं, आया। और इनमें बच्चों सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है कि यहां आंसर शीट है ही नहीं, यहां से चले यहां पहुंच गए, सब कुछ सही। बस एक बार थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों समझने में, और आप लोग तो नाइन्थ में पढ़ के आए हो ये ट्रिग्नोमेट्री, जो सीबीएसई वाले हैं ना बच्चों उनके नाइन्थ में ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, तो ये ध्यान रखिए। यहां पे हमने सेक को चेंज किया एक बटे कॉस में, कॉस को बदला नहीं, इसके बटे में एक तरह से एक है, चाहे तो आप दिखा दीजिए बटे का एक अपॉन में वन, और इधर कॉट को हमने लिखा कॉस बटे साइन, और टेन को लिखा साइन बटे कॉस, एलसीएम लिया इस तरह से। तो आप इसको सेल्फ भी कीजिएगा, ठीक है ना, एक दो मिनट का वक्त हम दे रहे हैं, देखिए अपने आप करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं बच्चों एक दो मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः है स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। यस बच्चों, सवाल नंबर 14। आज की तारीख पे गौर किया बच्चों आप लोगों ने? 10 10 20 20 10 10 20। यस, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस एक बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों इसमें दो मेथड है कि एक तो हम सभी को साइन और कॉस के पदों में बदलें, वापस से टेन में बदलें, और या फिर हम टेन स्क्वायर को तो रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर को टेन के पदों में बदल लें। ये देखिए यहां पे टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट होता है, तो कॉट बराबर एक बटे टेन होता है। ठीक है, तो साइन कॉस में ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है। हम क्या कर रहे हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ऐसे की ऐसे, और ये जो कॉट स्क्वायर है इसको एक बटे टेन स्क्वायर अल्फा लिख रहे हैं, माइनस एक चल ही रहा है। तो यहां वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, नीचे हमने टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा नहीं है अल्फा है, वो एलसीएम लिया, तो ये वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा आ गया। अब यहां पे वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा, जब ये बटे में बटा या हम कहें अपॉन में अपॉन हो जाता है, तो ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ऐसे के ऐसे मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, बराबर आया हमारे पास में टेन स्क्वायर अल्फा बराबर आर एच एस। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, हम चले थे एल एच एस से, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे में कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस एक था, तो हमने सवाल की मांग के अकॉर्डिंग केवल कॉट स्क्वायर को चेंज किया वन अपॉन टेन स्क्वायर में, एलसीएम लिया। हमें जान के बेहद खुशी हुई कि यहां पे भी वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा आ गया जो यहां दिख रहा था, अपॉन में अपॉन करने पर ये कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर अल्फा आ गया। ठीक है, ये था 14वां सवाल। आइए 15वें सवाल को देखें, 15वां बेहद आसान सवाल है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा, अब बराबर सिद्ध करना है वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बेहद आसान सवाल है। यस, ध्यान दीजिए बच्चों इधर, सवाल नंबर 15 के लिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब बच्चों यहां पे देखो दिख ही रहा है, आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, लेकिन अगर करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां जैसे रैशनलाइज करते हैं ना परिमेयकरण वाला मामला, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, किससे, इसके यहां माइनस है तो प्लस से, 1 प्लस कॉस थीटा से ही ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा से ही नीचे। इनमें केवल गुणा करना नहीं है, अलग अलग रहने दीजिए। पता है क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे को 1 प्लस कॉस चाहिए ही चाहिए, और अपॉन में ये a प्लस बी ए माइनस बी लग गया, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये साइन थीटा ऐसे की ऐसे, 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे की ऐसे डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो गया जिसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं।
तो इससे ये कैंसिल हो गया साइन थीटा बार, और हमारा आर एच एस तैयार 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो देखा आपने, मुश्किल से एक या दो मिनट में हम तीन नंबर बना रहे हैं, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में दो प्रश्न छह नंबर के टोटल होते हैं, तो हर एक के तीन तीन नंबर मिल रहे होते हैं। यस, अगला 16वां सवाल का वक्त है हमारे पास में, पर ध्यान रखिए बच्चों, जो 17वां सवाल है ना, 17वें पे गौर कीजिए। 17वें के जैसा का जैसा एक 20वां नजर आ रहा है, बस थोड़ा सा आरएचएस में फर्क है। 17वें के जैसा 20वां है। तो आप लोग बच्चों, ये नहीं कि मैं हर एक सवाल तो समझा रहा हूं, लेकिन कल संडे का उपयोग करते हुए आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे वो रोड क्रॉस करवाने का मामला होता है ना, कि हमारे बड़े हमारे साथ में हैं तो हम उनका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन उस दिन हमें दिक्कत आती है जिस दिन उनका हाथ नहीं होता है हमारे साथ। तो आप खुद लायक बनिए, थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। सवाल नंबर 16 है, लेके हाजिर है हम लोगों के सामने सवाल नंबर 16 है। इसमें घात छह वाला मामला है, ठीक है ना। देखिए, थोड़ा सा अलग तरह का है, और कोरोना टाइम चल रहा है बच्चों, जैसे हम मास्क का उपयोग कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। साइन यहां पे घात छह और कॉस घात छह बराबर हमें सिद्ध करना है 1-3 साइन। बच्चों हमारी जो बुक है उसमें यहां पे क्यूब है, घात तीन नहीं होगा, वहां पे स्क्वायर कर लीजिएगा आप लोग। और कॉस स्क्वायर थीटा 1-3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करना है। इसमें भी वो प्लस माइनस करने वाला कंसेप्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। आइडेंटिटीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कौन सी। देखिए, इसमें साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हमने किया, और इधर बीच में प्लस है ना बच्चों, इसलिए क्यूब क्यूब किया। माइनस होने पे हम क्यूब भी कर सकते थे और स्क्वायर भी कर सकते थे। यहां कॉस की घात छह है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की यहां आइडेंटिटी लग गई, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक सर्वसमिका होती है, आइडेंटिटी होती है बच्चों, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं तो अभी जो नाइन्थ की सीबीएसई की बुक चल रही है उसके अंदर आपको 2.5 एक्सरसाइज में सवाल नंबर 9 में मिल जाएगी। यस बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी का यूज किया, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में ये यहां तक तो पहुंच गए हम, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यस, इसका मान तो एक होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये एक लिखा, इस ब्रैकेट में साइन यहां पे घात चार माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा ये बन गया। अब बच्चों इस एक को तो हम हटा देंगे, अब यहां पे फिर से वही बात आ रही है, टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एड एंड सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने एवं घटाने पर। पता है क्यों, क्योंकि हमारे को जो लाना है वो 1-3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लेके आना है,
तो हम यहां पे एक बार फिर से, और मैंने आपको सवाल के शुरुआत में भी बोला था, इसमें भी वो कंसेप्ट आएगा, दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने एवं घटाने पर, तो जो ये है ना बच्चों, ये तो रहने दीजिए, साइन फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस फोर कॉस की घात चार थीटा, ये तो है, प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस किया और साथ के साथ ही टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस किया। यस बच्चों, ये एक्स्ट्रा कर दिया, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये जो माइनस वाले बंदे हैं ना, ये माइनस के तीन हो गए यहां पे। बस अब ज्यादा इसमें वक्त नहीं लगेगा, ध्यान दीजिए, ये साइन फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम बीच में ले आए, प्लस कॉस फोर थीटा, और माइनस के ये और ये मिल के माइनस का थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गए। बस यहां से यहां तक की, जैसे उस सवाल में की थी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बच गई और माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, इसको हम एक लिख सकते हैं, ये रही सर्वसमी का, तो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है। बस आर एच एस आ गई। तो ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा बच्चों, हाँ हाँ 16 है, 16 तक हम पहुंच गए, 11 से हमने आज का सफर स्टार्ट किया था। संभवतः यहां तक के सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।